हेलो। अरे मेहमान, नाटक के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो और क्या करने आए हैं हमारे यहाँ पे? कौन सा नाटक? तो आप बताएंगे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सब कोरोना पे करते हैं, सब कोरोना पे। नहीं, गरीबी पे करते हैं। नहीं, सब कोरोना पे करते हैं फिर। अरे नहीं यार, अंगदान महादान पीछे खड़े हो जाके। नहीं, कौन संदीप? कुछ विषय पे, इससे सारी जनता तंग है। किससे? हाँ तो क्या कहते हैं, हो चुके हैं कैसे? अरे करप्शन भाई, भ्रष्टाचार। बोलो सर, सर क्या सर से बात कर लेना। मेरा नमस्कार। इस नाटक को शुरू करने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। यदि इसका किसी चीज का संबंध पाया जाता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है। धन्यवाद। चिंटू बेटा, क्या हो रहा है? मामा, मैं टीवी पे ना कार्टून देख रहा हूँ। इससे अच्छा तो अपने पापा को ही देख लिया कर। अच्छा चलो, तुम पढ़ाई करो। नहीं, मुझे कार्टून देखने हैं। अरे बोला ना तुम पढ़ाई करो। नहीं ना, प्लीज। अच्छा, मैं तो सोच रही थी आपको एक चॉकलेट, पर आप तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। चॉकलेट दोगे? हाँ चॉकलेट। कौन सी वाली? आपकी फेवरेट वाली। ओके कैप्टन। मम्मा, हाँ मैं ना क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। इतनी धूप में? नहीं अभी नहीं जाना। मम्मा मेरे ना दोस्त बाहर खड़े हैं, तो मैं जा रहा हूँ। अरे बोला ना नहीं जाना। नहीं जाने दो प्लीज। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनता? नहीं ना। अच्छा तो मैं आपको 10 रुपए का नोट दूंगी। नोट दोगे? नया वाला? नया वाला। करप्शन। ओ हाँ जी शर्मा जी। ओ हाँ जी, हाँ जी, की हाल है? प्रतिपाल बोल रही हूँ मैं। ओ मुंडे का रिजल्ट आया आज। मैं कह रहा हूँ लड़के का रिजल्ट आया आज, 70% आ गए मेरे बच्चे के, 70। ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सोच रहा था इतने तुम्हारे खानदान में नहीं आए जितने ये लेके आ गया मेरा लड़का। करो 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 मुँह मीठा। ठीक है, ए मेरा बेटा 70% लेके आया है। 70% तेरे को ना हमने, मैंने तेरे को इंजीनियर बनाना है। बिल्कुल पापा। यार वो अमेरिका में कौन सा है जो जहाज जो बिल्कुल ऊपर भेज देता है? रॉकेट। हाँ रॉकेट। वो कौन बनाता है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है? एलन मस्क। एलन मस्क अमेरिका भेज देना, तेरे को एलन मस्क बना देना मैंने। उसके कॉलेज में एडमिशन ले दे मुझे। यार उसके कॉलेज में एडमिशन तो पता नहीं उसका कॉलेज है कि नहीं, बट तेरे को यहाँ से पढ़ा के ना मैंने बाहर भेज देना है। ठीक है ठीक है पापा, कॉलेज देख दे। ये कौन सा है भाई? दुनिया का सबसे नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज यार है? इसमें और दिलाता हूँ पुत्र, आजा एडमिशन, आजा 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 अंदर चलते। एसी लगे हुए अंदर, सीटा ने सोफे ने कमाल हो गई। ग्राहक आ गए, ग्राहक आ गए, स्वाद ही आ गया। बड़ा सोहना टाइलें भी लगी हुई है। कोई नजर नहीं आ रहा, कोई है कि नहीं यहाँ पे? मजा आ गया सब पे यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो हेलो, माय सेल्फ प्रिंसिपल, ये मेरा बेटा अमन है। भाई सर, अमन सर। ओ भाई यार, तेरे को पता होगा 12वीं के रिजल्ट आए हैं। अच्छा, मेरा बेटा 70% लेके आ गया यार। 70%? शाबाश बेटा शाबाश। ओ इतना तो मैं सोच रहा था यार, इतने तो दो बच्चों के नंबर, इकला बच्चा लेके आ गया। दो सीटें चाहिए। दो सीटें चाहिए? गर्लफ्रेंड भी साथ में आ रही है क्या बेटा? क्या बात कर रहे हैं सर, तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं पापा, ऐसे ही। पापा को तो बता ही सकता है, नहीं पापा से डरते हैं ना। अच्छा अपने बीच ही रहने दो ना, पर्सनल टॉक। क्या पर्सनल है भाई? कुछ नहीं पापा, ऐसे प्योर तो की पर्सनल हो गया हमारे। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। टीचर, टीचर लाइक अ पेरेंट सर। टीचर लाइक अ पेरेंट, बहुत बढ़िया अंग्रेजी आती है। तो हां जी, तो सीट पे, सीट पे बैठा दे यार, हो गया एडमिशन। हां एडमिशन सर, बेटा आप अंदर बैठो। इसको बिठा यार, सीट मिल गई। ओ वाह वाह वाह, बड़े बात कर लेंगे। चल इसको पढ़ाना शुरू करो अब, और मैंने दुकान संभालनी है यार। अपने बात कर ले सर। हां जी, किधर जा रहे हो सर आप? दुकान संभालने। बच्चे को कौन संभाले? बच्चे को आप संभालोगे? अभी तो बस सीट मिल गई। सीट ऐसे नहीं मिलेगी सर। तो और कैसे मिलेगी भाई?
इंडिया का नंबर वन कॉलेज, वो तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो नंबर वन कॉलेज के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना सर। क्या करना पड़ेगा भाई, बच्चे को पढ़ाया लिखाया 70% लेके आए इसके, और क्या करना पड़ेगा। शर्मा जी, अब शर्मा जी तो ये तुम्हारी यादाश्त बड़ी अच्छी, तुम बच्चों को क्या पढ़ाओगे, वो तो फोन पे था। शर्मा जी है दोस्त है मेरा, मेरा नाम तो प्रिंसिपल है। अच्छा, जो मैं जो इंडिया का नंबर वन कॉलेज, एक दो बारी पढ़ लिया, मेरे को तीसरी बारी पढ़ने का शौक नहीं है। नंबर वन कॉलेज है तो इसमें सब सीटें लेनी पड़ती है सर। क्या लेनी पड़ती है? सीटें लेनी पड़ती है, मिलती नहीं है। 70% लाभ की भी सीटें लेनी पड़ती है यार। तेरा ना मेरे को लेन देन का एक तो नहीं सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, खुल के समझा दे रहा हूँ। डोनेशन लगेगी सर, डोनेशन। अच्छा डोनेशन से हमने और जेड का पर्स पड़ेंगे यार, 100 रुपये नहीं आगे तो हो जाता है, 101 रुपये। चलो जी, हो गया एडमिशन, चलो चलो रब रखा। तो की हो गया हम तेन गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट खरीदी है कभी? और यार चॉकलेट भी आती बेटा, 100 रुपए में मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दू। एक तो पैसे बोल रहे, तेरा डैडी तेरे को पाल पोस के बड़ा की है, इसके दो मिनट मेरा नहीं तो गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिए इसको। क्या बात कर रहा, अंदर बैठो, बड़े बात कर रहे ना, अंदर बैठो। उड़के गल कर बच्चे, ठीक है। 150 रुपए में इंडिया के नंबर वन कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी। 101 सिक्के वैसे में 40 तो हो, 40 नहीं तो हो बुला कोई। एडमिशन तो नहीं होगी सर, डोनेशन बड़ी लगेगी सर। नंबर वन कॉलेज के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे सर। मजाक करते ना पहले दिन, मजाक करते हमने पहले दिन है ना, माहौल बढ़िया रहता है। मैं कमीशन में लगाऊ, मजाक में लगाऊ, बानी लग गई 5 लाख जान दे। मैं 5 लाख तो देने पड़ेंगे सर, और देख पाऊ। अब मेरे को मजाक नहीं पसंद, एडमिशन करानी है कि नहीं? छोटे होते तू छोटे लगी थी सर के तेरे। काम की बात करो सर। और काम की तो मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्ट लेके आए ना दिखा इसको। 70% आया सर, 5 लाख तो लगेंगे। 5 लाख? आज तक मैं जिंदगी से कहते 5 लाख नहीं देखे। तू कमाल कर दिया, तेरी सहायता कर दिया। 5 लाख सर, 2.5 लाख दे दो सर। 2.5 लाख सर, 2.5 लाख। अरे कार में चार्ज कर लो, 2.5 लाख। वहाँ देख तितलियाँ। अरे जो, अरे क्या हो गया मरवाए का? भाई पुलिस। ये मैडम। अरे कहाँ सर भाई था ना? बस दूध लेने जा रहा था मैडम। हेलमेट भूल गया मैडम, एक पास में जा रहा हूँ बस। हेलमेट भूल गया मैडम, एक पास में जा रहा हूँ बस। हेलमेट अरे मैडम आप तो बुरा मान रही हो, हम तो दूध ही लेने जा रहे थे। तुम्हारी हेलमेट पहनना चाहिए था, चला तो फटेगा। सुनो मैडम, ले दे के बात खत्म करो, आप भी खुश हम भी। क्या ले देंगे जी? अरे मैडम ये 2000 का नोट। रिश्वत नहीं होता मन है, करप्शन। हाँ बेटा, बेटा मैं पेंशन ऑफिस आया हूँ पेंशन लेने के लिए। हाँ वो नौकरी हो गया ना हफ्ता रिटायरमेंट को मेरे। हाँ हाँ हाँ, अमेरिका में ठीक है सब आपका? चलो बढ़िया बेटा, मैं घर आके आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ व्हाट्सएप पे बात करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेंशन दफ्तर, बेटा बेटा, हेलो। हाँ बोलो बेटा, मैं निर्मल सिंह, एक पेंशन की लेटर आई होगी आपके पास। निमो, लगता है अंग्रेजी फिल्में ज्यादा देखने लगे हो, हैं काम करते नहीं हो। निर्मल सिंह है मेरा नाम। हाँ बोलो बोलो, क्या पेंशन नाम है? लेटर आई होगी, वो मेरे को पकड़ा दो, मेरे को पेंशन के लिए चाहिए। लव लू लेटर का मेरा काम नहीं है सर, आगे देखो। अरे पेंशन लेटर बोला है मैंने, पेंशन। मेरा कंप्यूटर का काम है बाबू जी, आप आगे मिलो। आगे मिल जाएगी? हाँ, 2 नंबर काउंटर पे मिल जाएगी। अच्छा आ जाते हैं यार, काम खराब कर। बेटा मैं निर्मल सिंह, एक लेटर आई होगी पेंशन की आपके पास।
लेटर? हाँ लेटर। मैं अभी बिजी हूँ, अगले काउंटर पे मिलेगा। ऐसा क्या कर रहे हो भाई? काम कर रहा हूँ अंकल, करने दीजिए, थोड़ा आगे जाइए। कौन सा काम कर रहे हो ऐसा भाई? अरे जाओ ना अंकल, मुझे काम करने दो, बिजी हूँ मैं। ये दफ्तर कौन से में आया हूँ मैं? पढ़ा नहीं आपने? बाहर पेंशन का दफ्तर है। अरे पेंशन का दफ्तर है तो मेरी पेंशन दो ना। अरे अंकल जी मिल जाएगी, अगले वाले पे जाइए ना। अगले पे जाऊंगा तो मिल जाएगी? बिल्कुल। ठीक है। आवाज आवाज और आवाज। यार जब से तुम गए हो ना, मुझे तो मन ही नहीं लग रहा है। कब आओगे तुम? हाँ। मैडम आपने तो अंकल मार ही डाला था मुझे आज। फोन पे बात कर रही थी, डिस्टर्ब कर दिया होगा है ना काम पे। निर्मल सिंह है मेरा नाम। अच्छा, मुझे पेंशन की लेटर दे दो। अच्छा, वो तो फोन नंबर काउंटर पे मिलेगी उस वाले। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे जाऊँगा तो मिल जाएगी। जी जी। करो करो करो, फोन पे बात कीजिए। हाँ यार। हेलो, हाँ जी कौन? बेटा मैं निर्मल सिंह पेंशन की लेटर लेने आया हूँ। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ, पेंशन की लेटर दो मेरे को। अरे चाचा मैं शिमला का टूर बना रहा था। शिमला का है? तुम यहाँ पे मेरे को पेंशन का बोलने आ गए। तो और किससे मांगू भाई, वो तीसरे काउंटर पे मैडम क्या यहाँ पेंशन देते हो? मेरे से नहीं होता भाई, अगले काउंटर पर जाकर दे। अगले काउंटर पर वहाँ मिल जाएगी? हाँ ठीक है। अरे ये तो मैं बाहर आ गया, कैसे लोग हैं भाई, बूढ़े व्यक्ति को तंग करते हैं। अगले महीने आऊंगा। बेटा हेलो, और सुन ले भाई, रामू फ्री का कुछ भी है, कुछ भी लिया, ठंडा गरम सब चलेगा। रामू ले यार, रामू मैं निर्मल सिंह पेंशन लेने आया हूँ अपनी। मैं कौन सा निर्मल सिंह यार, तुम पेंशन के नाम पे मुझे टेंशन दे जा रहे हो। मेरा कंप्यूटर का काम है बाबूजी, टेंशन टेंशन का काम आगे। कंप्यूटर का काम? मूवी तो देख रहा कंप्यूटर में तू, नेटफ्लिक्स लगा के बैठा हुआ। मेरे बच्चे हैं ना घर पे, पोते हैं, वो देखते हैं। काम के वक्त नेटफ्लिक्स देख रहे हो आप? चश्मे का नंबर बदलाओ बाबूजी, तू अपने कान ठीक करा ले, मेरे को पेंशन की लेटर चाहिए मेरी। तो क्या देख रहे ऐसे, जवान नहीं है क्या मुंह में? दो नंबर पे, दो नंबर तो तेरा करता हूं मैं अभी। अंकल जी क्या हाल है? ये क्या कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो? देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाया मैंने। तुम अपना काम करने आते हो भाई कि ड्राइंग करने आते हो यहाँ पे? अंकल मेरा काम ही है यार, बहुत अच्छा मूड है, दिमाग ना खराब करिए। तो बेटा मेरा भी अच्छा मूड कर दे ना फिर। आपका भी बना दूं? अब मेरे को पेंशन की लेटर दे दे, उसके बाद जितना बनाना बनाते रहिए। अरे पेंशन छोड़ो ना, आपका बढ़िया सा तस्वीर बनाता हूँ मैं। अरे यार मेरे को मेरी जहाँ बना ड्राइंग। सीरियल चल रहा है आज। मैडम मेरी पेंशन की लेटर दे दीजिए, मैं पिछले महीने भी आया था। आपको पेंशन की पड़ी हुई है, यहाँ पे अनुपमा का पूरा परिवार बिखरा हुआ है। अरे तू अनुपमा को भी बताओ ना कि निर्मल की पेंशन लेटर फंसी हुई है, पॉज कर लो थोड़ी देर। ओहो अंकल आप तो बार बार चले आते हो भेजा फ्राई करने, अब उधर जाइए। भेजा फ्राई तो मेरा हो रहा है यहाँ पे, लगा लो कानों में, अंदर ही घुसे रह जाएंगे एक दिन। कितने सुंदर है। देख रहा है भाई, उस शिमला में मिल गई तेरे को लड़की? पर ये खड़ूसी आवाज किसकी है? मेरी, निर्मल की। पेंशन लेने आया हूँ अपना। लगता है उसका बाप यार, उस चाचा होगा बिलन जैसा। उसके बाप का भी बाप की उम्र कहूँ मैं? पिछली बार कौन है भाई तू? तेरे बाप का बाप। क्या लेना है? पेंशन लेनी है। पिछली बार अगले काउंटर पे भेज दिया मेरे को, सारा दिन साले सपने लेते रहते, ये नहीं पता कि इस दफ्तर में अगला काउंटर ही नहीं है कोई। देख चाचा मैं अभी इतनी सुंदर लड़की के सपने देख रहा था, कहाँ पे ये झुरियां वाला बुड्ढा देखना मिल गया। जैसे तेरी जुबान है ना काली, लड़की तेरे को सपने में मिल सकती है तो तेरे को भी पेंशन सपने में मिल सकती है। फिर तेरे को साथ लेके मरूंगा, याद रखियो, खून करने आऊंगा तेरा खून। चाकू भी साथ में लेके आइयो फिर। अरे बंदूक लेके आऊंगा, फौजी हूँ मैं, सारी ठोक दूंगा तेरे दिमाग में, बनाता रही शिमले के साथ लड़कियां।
चाचा ओ वो है चाचा हाँ बेटे क्या हो गया बेटे एक बात बता ये पेंशन का ही दफ्तर है ना है तो पेंशन का मुझे ये बताओ चुना है चुना चुना क्या है चुना चुना मिल नहीं रहा मेरे वाला कहीं घूम गया है जा अंदर जाके चौथे काउंटर से पूछ ले चूना लगाएगा तेरे को भी वो क्या हो गया घर पे ताई जी से बनती नहीं है का ताई की शायद बहुत अच्छी बनती है मेरी और असली वाली ताई जी है तुम्हारे यहाँ नहीं जो शिमला में लड़कियों के बारे में सोचता रहता है क्या हुआ हमको क्या हुआ क्या हमको बताओ ये पेंशन दफ्तर है ना मैं पिछले 2 साल से आ रहा हूँ हर महीने चक्कर काटता हूँ मेरे को ये साले मेरे को पेंशन नहीं दे रहे हैं ये पेंशन नहीं दे रहे भोर के क्या कह रहा है ये भीख मांगने वाले इशारे कर रहा है हाथ भारी करे क्या हाथ भारी ईंटें पड़ी हुई है सामने रख दूं क्या उनके हाथों पे महाराज सही है आते रहो क्या पैसे देने पड़ते हैं सरकारी दफ्तर है जब सालों पेंशन ही नहीं दोगे पैसे कहां से आएंगे एक बात बताऊं ये वही बच्चे हैं जिन्हें हम बचपन में कहा करते थे बेटा टीवी मत देख पढ़ ले चॉकलेट दूंगी अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं समझो तो चॉकलेट मिल गई ना बचपन में और मेरे बुढ़ापे की चॉकलेट कहां है नहीं लेनी पेंशन नहीं लेनी पेंशन तो लेनी है हक क्या मेरा तभी तो कह रहा हूँ पैसे दे दो आज ही आज काम हो जाएगा रिश्वत देने की बात कर रहे हैं फौजी के साथ बाबू जी ओ बाबू जी कहाँ जा रहे हो जाओ रखो अपना पैसा अपने पास ओ चचा 500 मुझे ही दे दो चचा ओ चचा आत्मनिर्भर भारत का घर घर में प्रचार होना चाहिए आत्मनिर्भर भारत का घर घर में प्रचार होना चाहिए अपने भारत देश से हम सबको प्यार होना चाहिए अपने भारत देश से हम सबको प्यार होना चाहिए अगर तुम फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो अगर तुम फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो तो हम सबको ये भ्रष्टाचार छोड़कर ईमानदार होना चाहिए तो हम सबको ये भ्रष्टाचार छोड़कर ईमानदार होना चाहिए तो मेरे साथ एक स्वर में एक ध्वनि में एक ही आवाज में कहिए भारत माता की जय। तो दोस्तों आपके सामने ये नाटक था करप्शन के ऊपर चंडीगढ़ आर्ट थिएटर के एक्टिंग के स्टूडेंट्स ने पेश किया आपके सामने थैंक यू वेरी मच छोटी छोटी कहानियां थी इसके बीच में कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा नहीं कि सभी करप्ट हो गए हैं सभी करप्ट नहीं होते हैं लेकिन कुछ लोगों के कारण बदनामी होती है तो करप्शन बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर एक कीड़ा है जो कि खाया जाता है अंदर से अंदर तो मैं अपने सभी जो आर्टिस्ट हैं कलाकार उनसे रूबरू करा दूं ये पहली बार यहाँ पर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं संदीप प्रयास मनु अनुज